5 जनवरी 1977 लक्ष्मी नारायण को ही परमेश्वर और परमेश्वरी कहते हैं। परमेश्वर मन परम परे से परे रहने वाला और ईश्वर ईश्वर मन शासन करने वाला ईश्वर मन शासन करना ईश्वर मन शासन करने वाला दुनिया का बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा शासन करने वाला कौन बताया परमेश्वर और उसके साथ परम ईश्वरी जो बड़े से बड़ी शासन कर्त्री गाई हुई है। अब पुरुषार्थ का इन जैसा बनना है किन जैसा परमेश्वर और परमेश्वरी जैसा इसको कहते हैं परमेश्वर परमेश्वरी लक्ष्मी नारायण को कौन से लक्ष्मी नारायण को सत्युग में जो राधा कृष्ण के रूप में पैदा होंगे और बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिलेगा उनको कहेंगे या संगम युग में किसी को कहेंगे संगम युग में होते हैं परमेश्वर और परमेश्वर वो सत्युग के महाराज या महारानी होंगे राधा कृष्ण लेकिन उनको परमेश्वर परमेश्वरी नहीं कहेंगे क्योंकि उनको भी जन्म देने वाले उनकी भी पालना करने वाले उनको भी चलाने वाले उनके माँ बाप हुए इनके राधा कृष्ण के माँ बाप हुए तो जो राधा कृष्ण के भी शक्ति के आदि में माता पिता है वो हुए परमेश्वर परमेश्वर भारत की परंपरा में उनको कहते हैं शंकर पार्वती ऊंच से ऊंच भगवान है ना ऊंच से ऊंच भगवती है तो उनको परमेश्वर परमेश्वरी कहते हैं। जरूर उन्होंने अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा शासन किया होगा दुनिया में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए हैं जिनकी इच्छा थी कि हम सारी पृथ्वी पर राज्य करें सारी दुनिया पर राज्य करें लेकिन उन्होंने रास्ता गलत अपनाया। आक्रमण करते गए राजाओं को जीतते गए हिंसा करते गए लेकिन जो सृष्टि में परमेश्वर परमेश्वरी गाए हुए हैं उन्होंने कोई प्रकार की हिंसा नहीं की अहिंसक बन करके सारी सृष्टि पर राज्य किया तो पुरुषार्थ करके इन परमेश्वर परमेश्वरी जैसा बनना है और कोई साधु महात्मा पास ऐसे गोद में नहीं जाएंगे कैसे जैसे इन परमेश्वर परमेश्वरी की गोद में तुम बच्चे जाते हो ऐसे कोई और धर्मात्मा के पास नहीं जाते। यहाँ तो समझाया जाता है पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर फिर गोद में आओ पहले क्या करो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो पक्की कि हम जीवन भर पवित्र रहेंगे एक शिव बाबा दूसरा नहीं ऐसे किसी को गोद में नहीं लेते हैं कैसे जो प्रतिज्ञा न करे पवित्रता का विरुद्ध पालन न करे तो उनको गोद में लेते नहीं है 12 मास पवित्र रहे तब ले सकते क्या कहा कम से कम 12 मास पवित्र रहे
तब उसको गोद का बच्चा बनाए सकते। बाबा बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? शिव बाबा। बाकी तो दुनिया है तब तो बुलाते हैं कि आकर के पारोनिया बनो, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आओ और आकर के मुरली चला के चले जाओ, शरीर छोड़ जाओ, फिर दुनिया पावन बनती रहेगी, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं? बुलाते हैं कि आकर के पावन दुनिया बनाओ, आकर के पावन दुनिया बनाओ या मुरली सुनाकर चले जाओ, फिर हम पावन बनते रहेंगे। ज्ञान सुनाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य क्या है? सारी शक्ति को पावन बनाना। और पावन दुनिया बनाते हैं तब काम पूरा होता है, बीच में अधूरा छोड़ करके चले जाएंगे क्या? बाबा बहुत पूछते हैं पतित हो या पावन हो, पूछते हैं ना, तो बेचारे क्या कहें? पहले तो बाबा पूछते हैं, विकारों में नहीं जाने वाले को पतित कहा जाता है, काहे में जाने वालों को? विकारों, विकार कार माना कार्य, कैसा कार्य? भी जो श्रीमत के विपरीत है। श्रीमत क्या कहती है? सुख दो और सुख लो, ऐसा कोई कार्य न करो विपरीत जो दूसरे को दुख हो जाए। अगर दूसरे को दुख होता है और ऐसा कार्य कोई करता है तो उसको कहेंगे विकार, विकृति। कैसी कृति? कृति माना कार्य, कार माना कार्य, वि माना विपरीत कार्य, उल्टा काम कर लिया। उल्टा काम माना पाप कर लिया और सुल्टा काम माना पुण्य किया, जैसा बाप चाहते हैं कार्य करा। भ्रष्टाचार से, विकार से तो सब पैदा होते हैं क्या? इस दुनिया में ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है जो विकार से पैदा न हुआ हो, सब विकार से ही पैदा होते हैं। वो लोग समझते हैं कि साधु समाज पवित्र है, लेकिन वो भी पैदा कहां से होते हैं? वो भी विकार से पैदा होते हैं। तुम समझते हो इस दुनिया में सब भ्रष्टाचार से पैदा हुए। कैसे आचरण से पैदा हुए हैं? भ्रष्टाचरण, भ्रष्ट इंद्रियों से जो आचरण किया जाता है दुख देने का, उससे सबकी पैदाइश होती। जब बीज बोया जाता है तो पुरुष भी आसक्ति का अनुभव करता है, स्त्री को भी दुख होता है, और जब बच्चा गर्भ में पलता है तो गर्भ में सह सह करता है और माता को भी कष्ट होता है। जब पैदा होता है तो माता को अपार कष्ट, और बच्चा भी कैसे पैदा होता है? रोते रोते, हंसते हंसते, और रोते रोते पैदा होता है। तो जिसकी शुरुआत ही ऐसी है दुखदायी, तो जीवन कैसा होगा? दुखदायी जीवन होता है। तो तुम समझते हो सारे ही सृष्टि पर भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण का शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा नहीं हुआ है ना। लक्ष्मी नारायण का जो जन्म होगा
अथवा राधा कृष्ण का जो जन्म होगा, राधा कृष्ण पहले या लक्ष्मी नारायण पहले? आगे बोल रहे हैं लक्ष्मी नारायण पहले, आगे बोल रहे हैं राधा कृष्ण पहले। लक्ष्मी नारायण पहले होते हैं, वो परमेश्वर परमेश्वरी होते हैं, फिर उनसे जन्म होता है राधा कृष्ण के बच्चों का। तो बोला राधा कृष्ण का शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा नहीं हुआ, फिर काय से पैदा हुआ है? हाँ, जो टेस्ट वाइब्रेशन बने, टेस्ट दृष्टि बनी, उस दृष्टि से सबसे पहले उनके अपने शरीरों की पांच तत्वों की जो काया है वो कंचन काया बनी। तो इससे श्रेष्ठ आचरण और कोई होता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण जो है वो चित्र में दिखाया गया है, सामने देख रहे हैं, ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण को देख रही हो और नारायण लक्ष्मी को देख रहा हो। जैसे नीचे राधा कृष्ण को दिखाया है, राधा कृष्ण की पीढ़ी बाद वाली होगी या पहले पहले वाली होगी? तो बाद वाले नीचे होंगे या ऊंचे होंगे कर्म करने में? वो तो जरूर नीचे होंगे। तो राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं दृष्टि से। दृष्टि ज्यादा ऊंची चीज है या वृत्ति ज्यादा ऊंची चीज है? वृत्ति, जिससे वाइब्रेशन बनता है। तो उनकी पैदाइश होती है श्रेष्ठ वाइब्रेशन, ईश्वरीय वाइब्रेशन है इनमें, परमेश्वर और परमेश्वरी। धीरे धीरे स्थापना तो होती है, तो फिर वृद्धि को पाते हैं ना। पहले लक्ष्मी नारायण कंचन काया बनते हैं और मनोबुद्धि रूपी आत्मा भी उनकी कंचन बनती है। फिर ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही बनकर के रह जाते हैं और आगे दूसरे नहीं बनते हैं। कितने बनते हैं लक्ष्मी नारायण जैसे? नई दुनिया जब शुरू होगी तो लक्ष्मी नारायण जैसे पवित्र आत्मा वाले और पवित्र शरीर वाले कंचन काया वाले कितने बनेंगे? 4.5 लाख बनेंगे। तो वृद्धि को तो पाते हैं ना, ऐसे नहीं एक ही पैर होगा, 2.25 लाख पैर होंगे, 2.25 लाख जोड़ियां हो जाएंगे ऐसी। बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है इन बातों को समझना। ये है शिव ज्ञान यज्ञ। ज्ञान किसका है? शिव का। शिव माना क्या? कल्याण का। और दुनिया में जो यज्ञ होते हैं उनसे दुनिया का कल्याण तो नहीं होता है, और ये दुनिया नीचे गिरती चली जा रही है। यज्ञ होते चले जाते हैं, दुनिया नीचे गिरती चली जाती। और ये जो शिव बाबा आकर के ज्ञान यज्ञ रचते हैं, इससे उत्थान होता है। पहले किसका उत्थान होता है? आत्मा मनोबुद्धि का उत्थान होता है, और बाद में जिनकी मनोबुद्धि रूपी आत्मा का उत्थान होता है उनके शरीरों में भी परिवर्तन निरोगी कंचन काया का आता है। शिव बाबा अभी ज्ञान दे रहे हैं, सदगति दाता तो वो एक ही है। क्या वो बोली कौन से साल की है? 67 की, 67। वो सदगति दाता एक ही है। किसके तन में बोला? ब्रह्मा संसार चक्र में बोला। तो कहना चाहिए सदगति दाता एक यही है, ब्रह्मा की तरफ इशारा करना चाहिए। फिर वो कह के दूर क्यों कर दिया है?
आने वाला पार्ट की तरह विचार किया, किंतु बोलने वाला जानता था ये शरीर तो छूट जाएगा, ये पति तुमको पागल बना करके जाने वाला नहीं है, इसके द्वारा सारी दुनिया पति के पागल बनेगी नहीं। इसलिए बोला सदगति दाता तो वो एक ही है, कर्क तो हो नहीं सकते। कृष्ण तो जो सारी दुनिया का सदगति दाता है उससे जन्म लेने वाला है, सदगति दाता कृष्ण नहीं हो सकता। माना कृष्ण जो है रचना है या रचयिता है? रचना है। रचयिता तो सारी सृष्टि का भी एक है और कृष्ण का जन्म देने वाला जन्मदाता वो एक ही है। ये सारी दुनिया पुरानी है, इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, जीव जंतु आदि हैं, वो सब पतितमो प्रधान पुराने हैं। बाप आते ही है नई दुनिया की स्थापना करने। बाप के आने का मकसद क्या है? नई दुनिया की स्थापना करना। तो 68 में शरीर छोड़ करके चले जाए और दुनिया पुरानी की पुरानी ही रह जाए तो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। तो ये बात कोई ठहरती नहीं, असली बात बाप बताते हैं कि मैं नई दुनिया की स्थापना करके जाता हूं तो पुरानी दुनिया का विनाश भी करना पड़े क्या? नया कलेक्शन बनाऊंगा तो उसका प्रभाव तभी ही निकलेगा जब 500-700 करोड़ की पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए, नहीं तो उनके वाइब्रेशन उनके ऊपर पड़ते रहेंगे और वो संसार में प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकती। नहीं दुनिया बल कहते हैं कि नरक के अंदर नरक के बीच स्वर्ग का नजारा देता हूँ। क्या? नरक के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जैसे यज्ञ के आदि में कराची में हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो खून की नदियां बह रही थी हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, लेकिन समुद्र के किनारे बंगले में वो 300-400 आत्माओं का संगठन बड़े आराम से रहा पड़ा था, कोई ने उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा टेम्पल दिखाया ना, जो आज में हुआ जो अंत में भी होना है बड़े रूप में। तो बाप आते ही नई दुनिया की स्थापना करने तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर करना पड़े। लाया हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश है। क्यों विष्णु द्वारा विनाश क्यों न कहते? क्यों नहीं कहते? शंकर द्वारा विनाश क्यों कहते हैं? क्योंकि विष्णु तो विष पीता ही नहीं, इसलिए सारी दुनिया का विनाश करने का उसमें ताकत है ही नहीं। जब सागर मंथन हुआ तो कैसे हाला हाल विष निकला? पहले पहले क्या निकला? विष है विकार चारों तरफ सारी दुनिया में फैल गए। इंतहा तो सब घबरा गए, देवताएं भी घबराए तो राक्षस भी घबराए। भले राक्षस बड़े विकारी होते हैं, बड़े विषैले होते हैं, फिर वो भी घबराने लगे। तो किसने निस्तार किया? कहते हैं शंकर जी ने निस्तार किया। जो भी विषय विकार थे संसार में उन सब को पी लिया। तो ये काम और कोई कर नहीं सकता।
विष पीने से तो आदमी मर जाता है, वो तो स्थूल विष होता है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में देहादि का विष कौन सा है? पराई स्त्री या पराए पुरुष का भोग करना वो विष है। ये विषय विकार ज्ञान में चलने वाला अगर कोई भी उपयोग करता है तो अनिश्चय बुद्धि बन जाता है, उसकी बुद्धि में से ज्ञान निकल जाता है। और शंकर जी का धंधा क्या है? विषय विकार भी पीते जाते हैं और ज्ञान का पीसर नेत्र भी दम दमाता रहता है, तो कोई खासियत होगी? क्या खासियत होगी? शिव तो प्रवेश करता है, शिव तो 108 मणकों में भी प्रवेश करता है, जो रुद्रमाला के 108 मणके हैं उनमें भी प्रवेश करता है। लेकिन गायन फिर भी शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ, तो विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है। और विष्णु को तो बहुत पवित्र दिखाया जाता है, तो प्योरिटी से होती है स्थापना। लेकिन स्थापना का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक 500-700 करोड़ की आखिरी दुनिया विनाश नहीं होती। तो देव आत्मा आसुरी आत्मा विषय विकार तो सब भोगती है, क्योंकि विषय विकार से पैदाइश ही हुई है। इसलिए विकसित जने बगैर रह नहीं सकते। लेकिन जो नया संगठन तैयार होता है ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मण तो देवता कहे जाते हैं, उनकी संसार में प्रत्यक्षता तभी हो सकती है जब वो पुरानी दुनिया सा खलास हो जाए। तो इन ज्ञान की बातों को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं समझ सकते। यह तो बादशाही स्थापन हो रही है सारे विश्व के ऊपर, कंट्रोलिंग प्राप्त होती है। तो कहा जाता है परमेश्वर बड़े से बड़ा, परम परे से परे शासन करने वाला, इतना ऊंचा और इतना अच्छा शासन दुनिया में कोई कर नहीं सकता। दुनिया की बात है, सत्य की बात नहीं है, क्योंकि सत्य में तो आबादी बहुत थोड़ी होगी। तो ये भी राजयोग है, शास्त्रों में भी तो कुछ दिखाया नहीं हुआ है कि राजयोग सीखने के बाद क्या हुआ। दिखाते हैं पांडव गलमरे, अब स्थूल में गल मरने की बात नहीं है, देवां से गल मरे दिखाते प्रलय हो गई। अब प्रलय तो कभी होती नहीं कि सब कुछ लीन हो जाए, प्रमाण प्रत्यक्ष रूपेण लय माने लीन हो जाए, कुछ भी न रहे। ये पांच तत्व जो दुनिया में है वो कभी नष्ट नहीं होते, आत्माएं कभी नष्ट नहीं होती और परमात्मा का पार्ट भी नष्ट नहीं होता। ये अनादि है, तो वो तो प्रलय दिखाई देते। फिर क्या हुआ? दिखाते हैं पांच पांडव थे और एक कुत्ता था। पांच पांडव बचे और उनके साथ एक कुत्ता बचा। पहाड़ पर गलमरे, पांच पांडव मन थोड़ी सी आत्मा, ऐसी थोड़ी आत्मा जिनको उंगलियों पर गिना जा सके। किनके मुकाबले? कौरवों और यादवों के मुकाबले। कौरव वो जो पौओं की तरह बोल बोल की आवाज बहुत करते हैं,
बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं लाखों की पब्लिक के बीच में, और बाप तो लाखों की पब्लिक के बीच में आते ही नहीं। लाखों की पब्लिक ही होगी तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाने पड़े, बाप तो लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई पढ़ाते नहीं। पांच पांडवों को पढ़ाते हैं तो वो तो बहुत थोड़े होते हैं दुनिया के हिसाब से, कहां 500 700 करोड़ की दुनिया, और कहां तो मुट्ठी भर ब्राह्मण। तो पांच पांडव बचे और एक कुत्ता साथ में गया। एक कुत्ता को ही दिखाते हैं पांडवों के साथ है? कुत्ता मैंने काम ही कुत्ता, कोई आत्मा है जो यज्ञ के आज में भी जब नई दुनिया का टेम्पल बना था तो उस नई दुनिया में थी, तो आज में थी तो अंत में भी रहेगी जरूर। हाँ, उसका शासन नहीं चलेगा, उसका कुत्तपना मर्ज हो जाएगा, रहेगा तो लेकिन कुत्तपना मर्ज होकर के रहेगा और 2500 वर्ष तक मर्ज होकर रहेगा। और जैसे ही द्वापर शुरू होगा इब्राहिम की सोल ऊपर से आएगी और फिर कुत्तपना शुरू हो जाएगा। कहते हैं पहाड़ पर गड़बड़, पहाड़ मानो उस चीज की, कोई पहाड़ पर गड़बड़ने की बात नहीं है बर्फ में, तू चीज की जैसे बर्फ होती है ना, तो बर्फ में अगर कोई आदमी दब जाए तो क्या होगा, शरीर भी जाम हो जाएगा ना, वो तो हद की बात हुई। यहाँ जाम करना है संकल्पों को, ऐसी ऊंची स्टेज पकड़नी है कि जो भी अच्छे बुरे सब तरह के संकल्प चलते हैं वो सारे संकल्प जाम हो जाए बर्फ की तरह, तो जैसे परम धाम की स्टेज बन गई। परम धाम में कोई संकल्प विकल्प चलता ही नहीं। अगर पहाड़ पर जाकर के गर्म भरे तो क्या ये जीवघात नहीं हुआ? नहीं, मैं कोई पहाड़ों पर जाकर जन्म लेने की बात नहीं है, जीवघात की बात नहीं है। बाप तो आकर के हमें सिखाते हैं जीते जी मर रहे, तो ऐसी आत्मा की ऊंची स्टेज बनती है। कैसी ऊंची स्टेज बनती है? जिसमें निराकार आत्मा के सिवाय और कुछ भी भान ही नहीं रहता। बच्चे को गुप्त अथाह खुशी होनी चाहिए, क्या खुशी कैसी हो? अंदर अंदर की कापारी खुशी हो और अथाह खुशी हो। जैसे पानी अथाह होता है ना कहीं समंदर में या कोई नदी में, तो ऐसे अथाह खुशी हो जिसकी कोई था ले न सकता। अरे इनको ये खुशी कहां से मिल गई? दुनिया में तो इतना रौनक नाटक लगा पड़ा है, इनको कहां से इतनी खुशी आ रही है? खत्म ही नहीं होती। ऐसी स्टेज बच्चों की बननी चाहिए। अभी है ब्रह्मा की रात, क्या अभी ब्रह्मा की रात है? दिन तो नहीं है, है? रात में तो ठोकरे खाते हैं और दिन में तो चकाचक हो जाते हैं। तो रात है ब्रह्मा की, मन अज्ञान अंधेरी रात है। इस अज्ञान अंधेरी रात में सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती, जैसे कि सूरज है ही नहीं।
जैसे कि सूरज है ही नहीं। जब रात हो जाती है तो दुनिया में सूरज रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता। सूरज तो रहता है, अरे ये तो पार नहीं रहता है तो पृथ्वी के वो तो पार उसकी रोशनी रहती है। सूरज तो हलाक नहीं होता लेकिन देखने वालों को दिखाई दिखाई, अगर दिखाई पड़ता भी है रात के 12 बजे तो विदेशी लोग पहले देख लेते हैं। क्या कितने साल हो गए एडवांस ज्ञान को चलते है? 30 साल हो गए। 30 साल में अभी तक भी उत्तर भारत के कुंभकर्ण नहीं जग पाए और दक्षिण भारत की आत्माएं जो भाषा भी नहीं जानती, हिंदी जानती ही नहीं बोलना समझना, उनकी लाम लगी हुई है आने जाने की। वो समझ रही वो जानती है कि सूरज है। यस सर 76 उस समय से ही निकला हुआ है। सूर्य जो है रात के 12 बजे तक डूबता रहता है और 12 बजे के बाद उदय होने लगता है, भले दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उनकी अगर समझ जाती है कि सूर्य अब ऊपर आने लगा। तो बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, ब्रह्मा की रात है। फिर ब्रह्मा तो दिन नहीं बना देंगे, क्या है ब्रह्मा की रात? ब्रह्मा की रात है तो फिर ब्रह्मा दिन बना देंगे क्या है? ब्रह्मा दिन नहीं बनाते, ज्ञान की रोशनी ब्रह्मा नहीं करते। और कथा करते तो ब्राह्मण क्या कहते हैं? ब्रह्मा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा ही दिन बनाते हैं, ब्रह्मा ही रात बनाते हैं। मुरली क्या कहती है? ब्रह्मा तो दिन नहीं बनाएंगे ना, अरे शरीर छोड़ रहे तो बनाएंगे कैसे? भगवान को आना पड़ता क्या? ब्रह्मा दिन नहीं बनाते, दिन माने सत्य रूपी सवेरा नहीं बनाते हैं। कौन बनाता है? भगवान को आना पड़ता। कोई दूसरा रूप धारण करता है? ओरिजिनल रूप में बिंदु है। जब दादा लेखराज के बूढ़े तन में प्रवेश करता है तो ब्रह्मा, फिर वो शरीर छोड़ देते हैं तो कोई और तन में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा का तन मुकर्रर था या टेम्परेरी था? अगर कोई कहे मुकर्रर तो फिर काम पूरा हुए बगैर चला क्यों गया? मुकर्रर माना आज में भी हो और अंत में भी हो, तो फिर मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद। इसलिए बोला ब्रह्मा तो दिन नहीं बनावेगी, भगवान को खुद आना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन अर्थात ब्राह्मणों का दिन, ये ब्राह्मणों का दिन बनाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। अभी तुम हो संगम ऊपर तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। संगम ऊपर कापाड़ी खुशी होनी चाहिए, क्यों? हाँ, क्योंकि दिन बनाने के लिए भगवान स्वयं आए। हम ब्रह्मा से हमारा कोई लगाव नहीं है, उनके लिए तो मुरली में ही बोल जाए, इसका फोटो भी नहीं रखना। अगर इनका फोटो भी रखेंगे, इनको याद करते रहे, फोटो किस लिए रखा जाता है? याद करने के लिए रखा जाता है, स्मरण करने के लिए रखा जाता है, या कीर्तन करने के लिए, महिमा बताने के लिए रखा जाता है। तो अगर तुम इनका फोटो रखेंगे ब्रह्मा का तो पद्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने तो अकाली मौत में शरीर छोड़ा। तो जो भी तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा को याद करते हैं उनकी हालत क्या होती जाती है? हम समझ लेते अकाले मौसम में ही शरीर छोड़ते जा रहे, अभी तो कम छोड़ रहे हैं। इशारा दे दिया है आगे चल के धड़ाधड़ रहा था, हार्ट फेल होने शुरू हो जाएंगे, जो अपनी मनमानी चला रहे हैं तो उन्हें आशा है कि अरे हमारी जिंदाबाद होनी है।
लेकिन थोड़े समय के बाद देखना है कितने हार्ट फेल होते हैं। बाहर की दुनिया में भी बड़े बड़े लोगों के हार्ट फेल होने लगेंगे, क्योंकि अपने अपने तरीके से प्लानिंग बना रहे हैं। नरचाट कुछ और है और होवत है कुछ और, तो ब्रेन ही फेल हो जाएगा। लेकिन तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, एक ही बाप और एक ही टीचर और एक ही सदगुरु, कोई दूसरी पर्सनालिटी, दूसरा व्यक्ति नहीं है कि नहीं ब्रह्मा के रूप में वो माँ है, फिर वो ही बाप है, वो ही टीचर है, वो ही सदगुरु है। नहीं, ब्रह्मा के रूप में तो जैसा नाम है वो ही है। ब्रह्मा मन ब्रह्मा ने बड़ी माँ, मने माँ बड़ी माँ है, न वो बाप है वर्षा देने वाला, सुख शांति का वर्षा देने वाला बाप नहीं है। और होता तो किसी को अगले ऐसी सुख शांति मिली होनी चाहिए थी, वो तो शरीर छोड़ दे, न बाप न टीचर। माना जो कुछ भी गीता ज्ञान आया, उस गीता ज्ञान का क्लेरिफिकेशन व्याख्या किसी को आई ही नहीं। ये तो शिव बाप ही है जो कोई तन में प्रवेश करके ब्रह्मा के अलावा और कोई तन में प्रवेश करके बाप भी करता है, बच्चों को नए सिरे से जन्म देता है, ब्राह्मण बनाता है। और ब्राह्मण से फिर वो बच्चे देव बनाते हैं, तो वो बाप भी है और व्याख्या देने वाला टीचर भी, और फिर वो संगति करने वाला सदगुरु जी। संगति सिर्फ आत्मा की करते हैं, ये शरीर की भी करते हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक एक बाबा बल, ये शरीर विकारों से पैदा हुआ है, फिर भी हम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हैं राजयोग की कि ये शरीर रूपी नैया इस विषय सागर से पार क्षीर सागर में जाएगी। तो ये बाप टीचर सदगुरु ये भी त्रिमूर्ति हो गए, बाप टीचर और सदगुरु। वैसे भी त्रिमूर्ति कैसे है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। अरे ब्रह्मा तो शरीर छोड़ रहे, स्थापना क्या हुई, राजधानी की स्थापना हुई क्या, नई दुनिया के राज्य की स्थापना हुई क्या, नहीं हुई। फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये बात तो झूठी हो गई क्या, झूठी नहीं हो गई। वही ब्रह्मा की सोल जो दाढ़ी मूछ वाली थी, विकारी चोला था, उसकी पूजा संसार में नहीं होती। लेकिन वही ब्रह्मा की सोल जब शरीर छोड़ती है और कोई माता में प्रवेश करके पाठ बजाती है, तो वो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना माने स्वर्ग का गेट खोलने की वो माता अपनी भुजाओं के साथ निमित्त बनती है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई, विष्णु द्वारा पालना गाई हुई। लेकिन पालना पहले होगी या विनाश पहले होगा, पहले बीच में नुदा हुआ है शंकर द्वारा। जो भी आसुर घुसे हुए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उन सबका सफाया होगा, उन सबका सफाया होगा, उसका भी इशारा दे दिया। क्या इशारा दे दिया, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और इतना अटेंडेंस छोड़ना पड़ेगा कि ताला भी नहीं लगानी पड़ेगी। इतनी इमरजेंसी पड़ जाएगी कि अपनी अलमारियों में अपने कमरों में ताला भी लगा के नहीं भागेंगे, अरे नहीं भाग खड़े होंगे।
भी भाग जाएंगे तो छोड़ जाएंगे हमारा घर वो हमारे लिए छोड़ जाएंगे। चलो व्यासी त्रासी के व्यक्तवाणी ने ये भी बोल दिया, रावण इस समय 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारी राजधानी तैयार कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हो रही है, जगह खरीदी जा रही है, सोने के काम आने वाली नहीं है, तुम्हारे लिए तैयार है। तो कहना चाहिए कि हमारे बाबा जो उसे किसी की बात ही लेते हैं, अब तुम भागदौड़ से लेना चाहते हैं, देवान से लेना चाहते हैं, तुम हमारे बाबा नहीं कहना, कहना हमारे बाबा तुम्हारे बाबा है तो एक ही, लेकिन तुम हमारे तुम्हारे कर रही है। तुम ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये भी बातें नहीं समझते हैं। कल पहले मुआफिक जाम अपने अनुसार उनको समझना दीजिए, क्या उनको नहीं समझना है, इसमें सावधानी भी बड़ी चाहिए। एक बार विकर्म हुआ तो भी पद भ्रष्ट हो जाएगा, पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। अगर दो चार महीना रुक गए तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, जैसे ब्याज बढ़ जाता है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ता जाता है। ऐसे अगर पाप हो गया और तुरंत बताया नहीं तो वो पाप वृद्धि को पाता रहता है। जट बता करके क्षमा मांग लेनी चाहिए, छुपाने से तो और ही जाती गिरती रहेगी। विकर्म हो जाए तो बताओ, इस जन्म की किए हुए पाप वो भी बताओ। फिर सत्व प्रधान बनने के लिए बिल्कुल सहज है याद, इसमें माथा टिकाना पड़ता है, मुख से शिव शिव कहना भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन्हें हिंदी की याद ही नहीं आती, आत्मा की याद नहीं आती, तो क्या करते हैं मुख से मुख से बोलते हैं। बाबा कहते हैं ये मुख से बोलना करना चाहिए, तुम 63 जन्म करते आए, इससे कोई फायदा नहीं है। अंदर अंदर याद करना चाहिए, मैं आत्मा, मेरा बाप सुप्रीम सोल, वो भी ज्योति बिंदु आत्मा है, और फिर हमारी मनुष्य शक्ति का बाप वो भी ज्योति बिंदु आत्मा, जो अभी शरीर धारण करके इस शक्ति पर मौजूद है, पाठ। तो शिव से भी कहना नहीं है, तुम्हारा तो सब कुछ गुप्त है, क्या पुरुषार्थ भी गुप्त, जो हम दान करते हैं वो भी हमारा गुप्त, ऐसे नहीं सबके सामने दिखा करके जेब में से नोट निकाले ले बाबा। तो वो पांडव बच्चे है ही नहीं, क्या वो है कौरव, यादव संबंध है, क्यों, क्योंकि दूसरों को दिखा दिखा करके दान करते हैं, प्रत्यक्ष कर देते हैं, उस दान में ताकत नहीं रहती, दान में ताकत ही नहीं है तो नई दुनिया की स्थापना उस धन से हो नहीं सकती। तो गुप्त दान महा कल्याण गाया हुआ है, जितना गुप्त रखेंगे उतनी उसमें जाती पा रहा, तो क्या करना चाहिए, कवर में रखना चाहिए, कवर में पता ही नहीं लगेगा इसमें पोता मेला है या यज्ञ सेवा है या कोई लेटर लिख करके दिया है किसी ने, क्या गुप्त रखना चाहिए। और अच्छा तो ये हो कि खुद ही भाग दौड़ करके ईश्वरीय सेवा में धन लगाए, नहीं तो बाबा इतना पैसा लेकर के क्या करेंगे,
इसलिए कि मैं तो इतनी जाती पैसे की दरकार नहीं है। दरकार किस चीज की है? बाबा को पैसों की इतनी दरकार नहीं है, सच्चे दिल के बच्चों की दरकार है। क्या बाबा को क्या चाहिए? सच्चे दिल वाले बच्चे चाहिए, उनका पैसा नहीं चाहिए। बाबा कहने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद आती है ना? बापू भी कहता है स्वीट है, तो कौन सी राजधानी स्थापन करते हैं? स्वीट होम और स्वीट राजधानी स्थापन करते हैं। बाप से कल पहले मुआफिक वर्षा लेते हो, तुम राजधानी का वर्षा लेते हो ना? बाप सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकल्प विनाश हो जाए। क्या कहते हैं? और किसी को याद ना करो, दूसरों के बीच में याद करते रहते हो तो विकल्प विनाश नहीं हो, याद धीमी हो जाती है। इससे सोना है, धीमी आग में गलाना चाहे कोई तो नहीं गलेगा। खूब तीखी अग्नि होती है तो सोना गल जाता है। ऐसे याद की जो अग्नि है वो तीव्र होनी चाहिए और उस अग्नि में और दूसरे किसी की याद नहीं आनी चाहिए। घड़ी घड़ी याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। बाप रचयिता है, क्या रखते हैं? बाप रचयिता है तो क्या रखते हैं, ये तो मालूम होना चाहिए ना। एक बार निश्चय हुआ कि यह बाबा है तो फिर संशय छोड़े जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है? निश्चय तो लिख देते हैं, निश्चय पत्र भी लिख देते हैं। शुरुआत में बताया कि खून से लिख करके देते थे, लेकिन फिर बाद में क्या होता है? बाद में माया पधारती रहती है। ये तो बच्चे जानते हैं, यहाँ पर शरीर की बात नहीं है। उन देहधारी गुरुओं के पास आत्माओं का एक्यूरेट ज्ञान तो है नहीं। क्या? किन देहधारी गुरुओं के पास? ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो देहधारी गुरु है उनके पास आत्मा का एक्यूरेट ज्ञान नहीं है। सिर्फ मोटा मोटा है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये थोड़ी पता है कि कौन सी ज्योति बिंदु आत्मा है, कौन से धर्म में जाने वाली है, कौन से धर्म खंड में उनको अपना पार्ट बजाना है, किस किस तरह का पार्ट बजाएंगे, डिटेल कुछ भी उनको पता नहीं। तुमको तो आत्माओं का एक्यूरेट ज्ञान होता जाता है। क्या? पता चलता जाता है कि ये आत्मा अपने संस्कार से मजबूर है। बल कितना भी ईश्वरीय ज्ञान लेती है लेकिन काम की वासना छोड़ नहीं पा रही तो कौन से धर्म कन्वर्ट होने वाली होगी? इस्लाम धर्म की होगी। लोगों की वासना छोड़ नहीं पाती है, बार बार फेल हो जाती है तो कौन से धर्म की होगी? मुसलमान धर्म की। तो तुम्हें तो एक्यूरेट पता होता जाता है। ये तो बच्चे जानते हैं, यहाँ पर शरीर की बात नहीं है। यहाँ तो बच्चा भी जानता है कि हम आत्माओं का एक एक ही बात है। हम सब ब्रदर्स, हम आत्मा बाप के साथ रहती है। बाप सब बच्चों को बच्चा दे रहे हैं, सब कितने? बाप सब बच्चों को बच्चा दे रहे हैं। 500 करोड़, 500 करोड़ तो बच्चे हैं ही, वो तो दूसरे दूसरे धर्म के काम अपना बच्चे बाप मान लेते हैं, उन्हीं की मत पर चल पड़ते हैं। तो उसके बच्चे कहां से हुए? जो जिसका बच्चा होगा, जो जिसकी रचना होगा,
तो जो रचना है वो रचयिता ही कंट्रोल में होनी चाहिए ना। रचयिता बाप के कंट्रोल को मानती है तो उसका बच्चा नहीं मानती तो उसका बच्चा हो नहीं सकती। तो कितने होते हैं? 9 लाख बच्चे होते हैं। तो बाप सब बच्चों को बरसा दे रहे हैं। शिव जयंती मनाते हैं, शिव क्या करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा क्या करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव परमात्मा सभी आत्माओं को बरसा देते हैं। क्या था? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सभी आत्माओं को बरसा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का। और ब्रह्मा का ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? हाँ, ब्राह्मण की रचना करते हैं। ब्राह्मणों की रचना तो होती है ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन उनको वर्षा मिलता है बाप के रूप में, प्रैक्टिकल बाप के रूप में वर्षा मिलता है। और सभी आत्माओं को वर्षा देते हैं। सभी आत्मा क्या 500-700 करोड़ आत्माओं को वर्षा देते हैं? नहीं, फिर सभी क्यों होती है? आत्माओं को वर्षा देते हैं माने जो आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं उनको वर्षा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा भी किसे लेता है? शिव बाबा से लेता है ना। ये धनी की प्रॉपर्टी है। उन प्रजापिता ब्रह्मा को भी बाप से वर्षा मिलता है। किनको? उनको भी माने प्रजापिता ब्रह्मा को भी बाप से वर्षा मिलता है। किसके तन में बोला? ब्रह्मा के तन में बोला। उनको क्यों बोल दिया? इनको कह रहे थे अगर ब्रह्मा दादा लेकर प्रजापिता ब्रह्मा थे तो इनको बोलना चाहिए या उनको बोलना चाहिए? इनको बोलना चाहिए, लेकिन बोला क्या? उनको माने किनको? जो आने वाला पार्ट है जो प्रजापिता का साबित होगा, सारी मनुष्य शक्ति जिसे एडम आदम स्वीकार करेगी उसकी बात है। उनको भी बाप से वर्षा मिलता है। बैगर टू प्रिंस बनते हैं। क्या था प्रजापिता ब्रह्मा का क्या पार्ट बताया? पहले बैगर बनता है और फिर प्रिंस बनता है। बैगर मन बेगर माने जिसके पास कुछ नहीं, घर परिवार कुछ भी हो। सुंदरनाथ मंदिर में हो जाए भी कैसी दिखाई जाती है? कटी हुई हो जाए भी माने जो सहयोगी है वो भी टूट जाते हैं। कोई सहयोगी नहीं रहता। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को मत भूलना। ऐसी हालत हो जाती है तो पहले बैगर फिर प्रसाद से बनाता हूं। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट है। क्या? बैगर टू प्रिंस बनना मान दादा लेखराज ब्रह्मा का ये पार्ट नहीं है। वो तो बैगर बने ही नहीं कभी। वो तो हीरों के व्यापारी थे और जब 300-400 की जो बारात पाली तो भी धन संपत्ति तो होगी ना। बिना धन संपत्ति के कैसे पालन करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये धनी की प्रॉपर्टी है। उनको भी बाप से वर्षा बनता है। बैगर टू प्रिंस बनते मुख से भी कहते हैं कि सब कुछ ही करने दिए। शिव बाबा तो दाता है, सिर्फ युक्ति बताते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब ईश्वर का समझो, हमारा नहीं है। किसका है? ईश्वर का। ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ के लिए है। तो मामा तो नहीं रहेगा। बाप कहते हैं जो कुछ भी है उसका ट्रस्टी होकर के रहो। बाप आत्मा को दान नहीं करो
लेकिन तो पैसा और पाप आत्माओं के हाथ में चला जाए तो पाप किसको लगेगा? देने वाले को पाप लगेगा। तुम बताया पाप आत्माओं को दान नहीं करो। अगर पाप आत्मा को दान किया तो पाप आत्मा क्या करेगा? उसको पाप के काम में रिश्वत देने का कहीं अपना मान मर्तबा बढ़ाने के लिए बड़े बड़े आदमी सब को रिश्वत, अखबार वालों को रिश्वत दे देते, पुलिस वालों को रिश्वत दे देते। तो ये की का पैसा बर्बाद हुआ था, दिया किसने? अपने को भगवान खारिज करने के लिए बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते हैं, मेगा प्रोग्राम करते हैं, पब्लिक का पैसा लगता है, कहां से आता है? जो पब्लिक पैसा देती है वो यही का ज्ञान यही का पैसा हुआ ना, लेकिन लगा किसका में? बजाय त्रिमूर्ति को साबित करने के, ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति को प्रत्यक्ष करने के, किसे प्रत्यक्ष करते हैं? पोस्टर छपाई देते हैं, ऊपर ज्ञान सूर्य दिखाई दिया और नीचे दीदी दादी दिखाई देते हैं। तो पाप हुआ, वो पैसा पाप के खाते में गया या पुण्य के खाते में गया? पाप के खाते में। तो पाप आत्मा को दान नहीं करो जो तुमको पाप लग जाएगा। दान दिया और उस आदमी ने कोई खराब काम कर लिया तो उस आदमी पर तो दोष आएगा ही, पाप करेगा ही, लेकिन देने वाले पर भी पाप करेगा। उसने दिया ही ना होता तो फिर काम करता ही नहीं। अभी हम दान देते हैं बाप को, क्या कहा? हम किसी को नहीं देते, देते हैं तो किसको देते हैं? अभी अभी मैंने कभी अभी संगम युग में हम पुरुषोत्तम संगम युग में देते हैं तो सिर्फ बाप को देते हैं और किसी को देते नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि सब भ्रष्टाचार से पैदा हुए। तो जिनकी पैदाइश ही भ्रष्टाचार से है वो पैसा भी कहाँ लगा देंगे? भ्रष्टाचार दुनिया नहीं लगा देंगे। इसका एक जगह विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि हम दान देते हैं बाप को। मैं भी व्यापारी हूँ ना, ये व्यापार है, बिरला ही कोई ये व्यापार करेगा। जो करते हैं वो पूरा कर सकते। मम्मा ने व्यापार किया ना, मम्मा बिल्कुल गरीब घर की कुमारी, और मम्मा ने कितना ऊंच पद पाया, क्या बनती है? राधा बनती है, लक्ष्मी बनती है। चलो कोई कन्या के तन में ही प्रवेश करके बनती है, लेकिन आत्मा तो दो हो गई ना, एक शरीरधारी आत्मा और दूसरी प्रवेश करने वाली। तो मम्मा बिल्कुल गरीब कुमारी और कितना ऊंचा वर्षा पाया, कुमारी पर कुछ लगता नहीं है क्या? कुमारी के ऊपर कोई बोझ बोझ नहीं है, कुमारी तो स्वतंत्र होती है। माँ ने कुछ भी नहीं लाया और कितना ऊंचा वर्षा पाया, इसकी बात हुई? जगदम्बा सरस्वती उम्र आने की बात हुई। वारस भी बनाना है, जो करेंगे सो पाएंगे। आत्मविमानी बनने से फिर बच्चों को भी भाई समझेंगे, क्या कहा? घर परिवार में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन बच्चों पिटाई का ही कर देते हैं कभी कभी, गुस्सा आ जाता है। तो क्यों आता है गुस्सा? क्योंकि देवान होता है तो बच्चों की पिटाई कर देते हैं। अगर ये समझे कि ये भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, तो पिटाई करने की बात नहीं रहती। भाई भाई समझेंगे तो फिर आत्मा अज्ञानी कही जाएगी। अगर बच्चों की दुनाई पिटाई कर देते हैं इसका मतलब देवान का, तो समझो ये भी आत्मा की बातों से मुक्त कर सतयुग में ले जाते। तो बच्चों का भी कल्याणकारी बनना है, सदैव बाप को याद करना। ओम शांति।